हे गाइस वेलकम दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 11 Pro Max 5G स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन के काफ़ी सारे फीचर्स लीक कर दिए गए, साथ में कुछ फीचर्स कंफर्म भी हो चुके हैं। लाइक यहाँ पर आपको 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ऑफिशियली डिजिटल चैट स्टेशन ने कन्फर्म कर दिया है। इसके अलावा आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोस्तों ये स्मार्टफोन ऑलरेडी इंडियन BIS पर सर्टिफाइड कर दिया है, जिससे कन्फर्म होता है जल्द ही ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्या क्या आपको एक्सपेक्ट फीचर्स मिलने वाले हैं और इसकी क्या प्राइस हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस इसमें आपको बैक साइड में ग्लास दिया जाएगा, जो कि मैट फिनिश के साथ आने वाला है। इसके अलावा स्क्वायर शेप में ट्रिपल कैमरा होंगे, LED फ्लैश होगी और रेडमी की ब्रांडिंग होगी। दोस्तों सेंटर पंचोल डिस्प्ले पैनल आपको मिल जाएगा। दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो इसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जो कि पंचोल के साथ आने वाला है और ये 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा। इन फ्रंट कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो गाइस अकॉर्डिंग टू लीक्स इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट मिल सकता है, जो कि 6 nm पर बेस्ड है। 5 लाख 5.5 लाख के करीबन अंतुतु स्कोर आ जाता है और ये काफ़ी पावरफुल और पॉपुलर चिपसेट है, क्योंकि ये काफ़ी सारे डिवाइसेस में दिया जा रहा है इस प्राइस पर। दोस्तों ये स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 के साथ आएगा। MIUI 12.5 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरास दिए जाएंगे। इसका प्राइमरी लेंस हो सकता है 108 मेगापिक्सल का, 108 मेगापिक्सल का मेन लेंस आपको मिल सकता है। इसके अलावा एक अल्ट्रा वाइड होगा एंड माइक्रो लेंस होगा। दोस्तों सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल का पंचोल सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। अब बात करते हैं बैटरी की। तो यहाँ पर आपको 5000 mAh तक की बैटरी मिल जाएगी, लगभग 5000 mAh की बैटरी दी जाएगी और ये कन्फर्म हो चुका है इस फोन में आपको 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। हो सकता है दोस्तों आपको इन द बॉक्स 120 वॉट का चार्जर भी दिया जाए और चार्जिंग के लिए Type-C पोर्ट होगा। आयर ब्लास्टर फेस अनलॉक फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे इस फोन के एक्सपेक्टेड फीचर्स और कुछ कन्फर्म फीचर्स। अब बात करते हैं इस फोन की प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो गाइस इस फोन की जो प्राइस है वो एक्सपेक्ट 25,000 हो सकती है। लॉन्च की बात करूं तो ये स्मार्टफोन आपको नवंबर के एंड तक या फिर दिसंबर के अर्ली में लॉन्च होते हुए दिख सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। मैं मिल जाऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.